नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोरोना के 10 से कम मामले, तीसरे दिन भी वार्ड सचिव डटे हैं अपने धरना पर। नीतीश सरकार ने पटना मेट्रो को दिए 500 करोड़, अगले 5 दिनों में रूह कपकपाने वाली होगी ठंड। सीएम नीतीश ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए महिलाओं से की अपील। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे बिहार के सैकड़ों स्कूलों के छात्र। बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा फरवरी में होने वाली है। ऐसे में कई छात्रों के परीक्षा पर तलवार लटकी नजर आ रही है, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है कि ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक ना तो पंजीयन और ना ही परीक्षा शुल्क दिया है, वैसे छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा। हालांकि बोर्ड द्वारा बार बार स्कूलों के प्रचारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों से आग्रह किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी शुल्क जमा नहीं किया गया। अंत में बोर्ड ने प्रचारियों को चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर परीक्षा और पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो उक्त स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच होनी है। 1 फरवरी से इंटर की मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगी, वहीं 17 से 24 फरवरी के बीच मैट्रिक की परीक्षा होगी। अगले 5 दिनों में रूह कपकपाने वाली होगी ठंड। बिहार में धीरे धीरे ही सही, लेकिन ठंड का असर अब बढ़ता जा रहा है। आलम कुछ यूं है कि सुबह और शाम में ठंड का साफ असर देखने को मिलता है। हालांकि अभी ठंड से लोगों को कोई राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ठंड का प्रभाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग पटना की माने तो 3 से 5 दिनों में पारा और लुढ़केगा। खासकर रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। उधर पिछले 24 घंटे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कहीं कहीं आंशिक गिरावट देखी गई है। गुरुवार को भी सूबे में गया सबसे ठंडा रहा, यहां का न्यूनतम पारा 7.6 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार गया में 0.5 डिग्री, औरंगाबाद में 0.5 डिग्री, सिवान में 1, सारण में 0.4, पश्चिमी चंपारण में 2.8, पूर्वी चंपारण में 0.8, मुजफ्फरपुर में 0.8, सारण में 0.4, सुपौल में 0.4, कटिहार में 0.8, दरभंगा में 0.8, कटिहार में 0.3 डिग्री पारे में गिरावट आई। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर है। सरकारी कर्मचारियों ने अगर कर दी यह गलती तो वेतन से धोना पड़ जाएगा हाथ। बिहार के सभी समूह क, ख और ग के पदाधिकारी और कर्मियों से पहले ही 15 फरवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि जिन्होंने यह काम कर लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें अपने फरवरी महीने के वेतन से हाथ धोना पड़ सकता है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर दिया है, जिसके तहत ही कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2021 के आधार पर चल अचल संपत्ति और दायित्वों की विवरणी 15 फरवरी 2022 तक जमा करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों का मासिक वेतन का भुगतान अवरुद्ध रहेगा, जिसके बाद पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा 31 मार्च 2021 तक वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। नीतीश सरकार ने पटना मेट्रो के लिए दिए 500 करोड़। बिहारवासियों को पटना मेट्रो की सौगात जल्द ही देने की तैयारी बिहार सरकार ने कर ली है। यही कारण है कि जहां एक तरफ मेट्रो निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेट्रो के लिए सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत करते हुए इसके खर्च की अनुमति दे दी गई है, जिससे कि अब आने वाले समय में मेट्रो निर्माण में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुआवजे के लिए स्वीकृत राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह राशि बुडा द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। मेट्रो के डिपो के लिए करीब 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। फिलहाल किसानों से दावा आपत्ति लेने का काम भी हो रहा है। वहीं राशि आवंटित की जानकारी नगर विकास और आवास विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह ने महालेखाकर को भी दे दी है। सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के 3 ठिकानों पर नोटों की गड्डी देखकर हैरान रह गए अधिकारी। इन दिनों विजिलेंस की टीम एक के बाद एक छापेमारी कर रही है, जिससे बिहार सरकार के नाक के नीचे कितने
अधिकारियों ने कितने पैसों का गबन किया है इस बात की पूरी पूरी जानकारी मिल रही है। इसी बीच आज अहले सुबह विजिलेंस विभाग ने सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। हैरान करने वाली बात यह थी कि समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पटना स्थित 3 ठिकानों पर नोटों की गड्डी देख अधिकारी भी सख्ते में है। हालांकि खबर लिखे जाने तक मणिरंजन के सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी थी। हालांकि घर में कौन है या नहीं है इसकी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई थी। छापेमारी के दौरान घर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। बिहार में मिले कोरोना के 10 से कम मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 83 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो गया में 1, मुंगेर में 1, पटना में 2 और रोहतास में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में कोई भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,60,379 सैंपल की जांच की गई। वहीं 8 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। सीएम नीतीश ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए महिलाओं से की अपील। बिहार में भले ही शराबबंदी कानून को लागू किया गया हो और सालों गुजर गया हो, लेकिन बिहार में सार्वजनिक तौर पर शराब की बिक्री तो नहीं हो रही है, मगर जहरीली शराब पीने के कई मामले आने के बाद एक बात तो तय है कि भूल कहीं ना कहीं हो रही है, जिस पर ही अब लगाम लगाने की योजना नीतीश सरकार ने बना ली है और तेजी से पुलिस को शराबबंदी कानून को सफल बनाने में लगाया गया है। इसी बीच सीएम नीतीश ने इस कानून को सफल बनाने के लिए महिलाओं से मदद मांगी है, जिसके तहत बीते दिन कुशेश्वरस्थान प्रखंड के नंदकिशोर उच्च विद्यालय सती घाट परिसर में आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमने महिलाओं की मांग पर ही सूबे में शराबबंदी लागू की थी। आसपास कहीं अगर शराब बिकने और पीने की जानकारी मिले तो महिलाएं इसकी सूचना जरूर दें। इसमें उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, उनकी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के बाद अब है 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव की बारी। बिहार में पंचायत चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद अब सभी गांव की सरकार बन गई है। वहीं अब बारी 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव की है। बीते 17 जुलाई से ही खाली पड़ी इन सीटों के लिए निर्वाचन आयुक्त कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इसी बीच पंचायत चुनाव के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम का गजट में प्रकाशन शनिवार को किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद वो विधान परिषद की स्थानीय निकाय वाली सीटों के लिए वोटिंग के लिए पात्र हो जाएंगे। इसके लिए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख, उप मुखिया और उप सरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया भी संपन्न करा ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि वोट के माध्यम से करते हैं, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव होने में देरी हुई, इसके कारण ही अब तक एमएलसी का चुनाव भी नहीं हो पाया है। तीसरे दिन भी वार्ड सचिव डटे हैं अपने धरने पर। वार्ड सचिव के स्थायी नियुक्ति की मांग और मानदेय को लेकर बुधवार से ही सैकड़ों पंचायत वार्ड सचिव पटना में धरने पर बैठे हैं। ये लोग जदयू कार्यालय के सामने ही सड़क किनारे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इनके मानदेय की घोषणा करे और इनकी नियुक्ति स्थायी की जाए, जो कि आज भी जारी है। सभी वार्ड सचिव ने साफ कहा है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, कोई भी जदयू कार्यालय के बाहर से नहीं हटने वाला है। धरना पर बैठे वार्ड सचिव का साफ कहना है कि 4 साल पहले ही हम लोगों की नियुक्ति की गई है, अभी तक सरकार 1 रुपए भी मानदेय के रूप में नहीं दे सकी है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। उल्टे नए वार्ड सचिव की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है, जो कि गलत है। धरने पर बैठे वार्ड सचिवों की माने तो साल 2017 में ही सरकार ने 7 निश्चय योजना को सही ढंग से लागू करने के लिए वार्ड में उनकी नियुक्ति की थी, लेकिन आज तक सरकार ने मानदेय के रूप में उन लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उल्टे अब उनकी नौकरी भी खत्म की जा रही है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इस बार इतने लाख छात्र लेंगे हिस्सा। इसी साल कोरोना के माहौल के बीच समय पर परीक्षा का आयोजन करवाने और परिणाम जारी करने में कीर्तिमान हासिल करने वाले बिहार बोर्ड ने अगले साल होने वाली परीक्षाओं को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज कर दी है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने जिलावार बच्चों की संख्या सभी जिला शिक्षा कार्यालय को भेज दी है, जिसके तहत बिहार मैट्रिक परीक्षा 2022 में इस बार 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड की तरफ से दिए गए निर्देश हर जिले में परीक्षार्थियों की सूची स्कूलवार तैयार की गई है। इस बार सबसे ज्यादा गया जिले में 73,852 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। पटना जिला सूबे में 5वें स्थान पर है।
पटना में 66,539 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके बाद अब इस परीक्षा का आयोजन 17 से 24 फरवरी तक होने वाला है। ददन पहलवान की बढ़ी मुश्किलें। पूर्व मंत्री और विधायक रह चुके ददन पहलवान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि 68 लाख की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। ददन पहलवान डुमराव से विधायक रह चुके हैं और बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। ईडी ने डुमराव में ददन पहलवान की पत्नी के उषा देवी के नाम से डुमराव में 7 जमीन जब्त की है। हालांकि ददन सिंह ने संपत्तियों को इस तरीके से साबित करने की कोशिश की थी कि उसे बिजनेस और कंपनियों की आमदनी से हासिल किया गया है, जबकि जांच में पता चला कि उनके परिवार के नाम पर कोई भी बिजनेस और कंपनी है ही नहीं। आपको बता दें कि ईडी के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार ददन पहलवान का साल 2004 से ही बिहार और उत्तर प्रदेश में आपराधिक इतिहास रहा है। ददन पहलवान और अन्य के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में दर्ज 5 FIR के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू की गई है। बैंकों की कार्यप्रणाली से शाहनवाज हुए नाराज। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के तत्वाधान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ बड़ी संख्या में बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने प्रदेश में रोजगार सृजन की धीमी रफ्तार पर चिंता जाहिर की है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बैंकों का नकारात्मक रवैया रोजगार सृजन में बाधक बन रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि यहां बड़े उद्योगपतियों को तो बैंक बड़ी आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन गरीबों को कर्ज देने में आनाकानी करते हैं। कुल 35,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया जाना था, लेकिन अब तक 50% भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बैंकों को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। किसी को भी प्रधानमंत्री के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। तेज प्रताप के विधायकों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से चौथे गवाह राजकुमार रॉय की गवाही समाप्त हो गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से गवाही समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद ही अब तेज प्रताप यादव की तरफ से गवाहों की सूची दी जानी है और गवाहों की गवाही होनी है। ज्ञात हो 3 नवम्बर 2020 को विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुआ था। 10 नवम्बर 2020 को चुनाव परिणाम की घोषणा की गई थी, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजय हुए थे, के बाद से इस मामले ने तुल पकड़ा था। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 13 जनवरी को होने वाली है। आकाश चोपड़ा ने चुना अपना बेस्ट टेस्ट बॉलर। साल 2021 खत्म होने को है और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने साल के 5 बेस्ट टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में 2 भारतीय गेंदबाजों को जगह मिली है। आकाश चोपड़ा की इस लिस्ट में टॉप पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो आकाश चोपड़ा की 2021 के टॉप 5 टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में आर अश्विन और मोहम्मद सिराज को जगह मिली है। इसके अलावा इंग्लैंड के 2 तेज गेंदबाज भी इस लिस्ट में हिस्सा है। 2021 में सबसे ज्यादा विकेट भले ही अश्विन ने लिए हो, लेकिन आकाश ने टॉप पर शाहीन शाह अफरीदी को जगह दी है। आलिया भट्ट पर हो सकती है FIR। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर पैंडेमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज हो सकती है। इसको लेकर मुंबई महानगर पालिका ने तैयारी शुरू कर दी है। होम क्वारंटीन नियम तोड़ने के लिए BMC ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। BMC के नियमों के मुताबिक हाई रिस्क संपर्क लिस्ट में रखे गए लोगों के लिए 14 दिन होम क्वारंटीन रहना जरूरी है, लेकिन एक्ट्रेस ब्रह्मास्त्र मूवी के प्रमोशन पोस्टर लॉन्च के लिए दिल्ली चली गई थी। हालांकि आलिया भट्ट की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक्ट्रेस कई लोगों से मिली भी है। ऐसे में आलिया ने BMC का नियम तोड़ा है। BMC इस मामले की जांच कर रही है और नियम उल्लंघन की पुष्टि के बाद अब एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए भी कहा जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अक्षय कुमार, सुनील मिश्र, राकेश कुमार, नौशाद अनवर, खुशबू कुमारी, चंदेश्वर प्रसाद गुप्ता, अजय भारती, महेश यादव, राजू चौधरी, गजेंद्र कुमार, चांदी ब्रजेश कुमार, मुन्ना यादव, संजीत कुमार पासवान, मुकेश सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शिक्षा के मामले में CBSE, बिहार बोर्ड या ICSE में से कौन सा बोर्ड सबसे बेहतरीन है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से रिलेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।